वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको 2 BHK विथ सीट आउट के साथ फर्स्ट फ्लोर का घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। वीडियो को आप देखिए। जो कंस्ट्रक्शन एरिया है 30x40 एंड सराउंडिंग एरिया जो है ना, जो बिल्टअप एरिया है अप्रोक्सीमेट 900 स्क्वायर फीट हो सकता है, डिपेंड बिकॉज अगर आप ऑफसेट एरिया सब छोड़ने के बाद आपको अप्रोक्सीमेट 900 स्क्वायर फीट मिल जाता है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए एंड इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब। इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर प्लीज शेयर दिस वीडियो इन व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम। सपोर्ट टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन और इसका ग्राउंड फ्लोर वॉक थ्रू उसका लिंक दिया हूँ, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मैं बताऊँगा, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर अप्रोक्सीमेट 45 to 55 लाख के बीच में आ सकता है अप्रोक्सीमेट। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हाउस ओनर एंड ऑल द इंजीनियर हु हैज इन्वॉल्व्ड इन दिस, लेट अस सी। ये जो दोस्तों स्टेयरकेस जो है ईस्ट से वेस्ट तक गया है, ईस्ट फेसिंग हाउस है, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि वर्टिकल लिया गया है यहाँ पर स्टेयरकेस, हॉरिजॉन्टल नहीं। सो उसमें 6 फीट चले गए, बाकी का जो है कवरअप कर लिया गया। एंड उसके अलावा इधर सामने की तरफ 4 फीट इंक्लूडिंग कंपाउंड वॉल वैसा, तो आपको करीब 3.5 से 4 फीट जो ऑफसेट एरिया मिला है। ओके, ये यहाँ से जो है एंट्रेंस, ये मेन डोर, डबल वर्टिकल विंडो यहाँ पर लगाया गया। स्टेनलेस स्टील, अगर आप MS स्टील लगाए तो भी उसको सिल्वर कलर में पेंट किए तो भी परफेक्ट दिखता है। सो व्यूअर्स, चौखट पहले ही बिठाएगा यहाँ पर, बाद में जो है इसका पट बिठाएगा। एंड ये आपका सिट आउट 10x10 फीट में सिट आउट, एक स्लाइडिंग विंडो, ये फुल लेंथ, बट कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ता है। जितना मटेरियल, वुड का मटेरियल आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना महंगा पड़ता है आपको। सो आप अगर आप घर बांध रहे हैं तो सोच समझ के बांध लीजिएगा, मतलब स्पेस छोड़ दीजिए, बजट भी देख लीजिएगा। अगर आप बड़ा होना हमको दरवाज़ा बोले तो आपके पास बजट भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो किसी घर, किसी और के घर में देख के अगर आप ऐसा बड़ा बड़े साइज़ में आप ओपनिंग छोड़े तो आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। सो ओपनिंग है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज यहाँ पर ये ओपनिंग है, इसमें ज़्यादा फर्नीचर वर्क नहीं लगता है। थोड़ा बहुत कुछ विनाइल का शीट कुछ लगाया गया, इसको कवरअप किया गया फर्नीचर वर्क में। ये एंटर हो गया हॉल, हॉल जो है पूरा फुल लेंथ आर पार, तो अप्रोक्सीमेट आपको 12 फीट विड्थ, लेंथ में जो है ना आपको 18 फीट मिल जाएगा, प्लस एक कॉमन टॉयलेट रूम और एक अटैच टॉयलेट रूम इस तरह से मिल रहा है। सामने की तरफ टीवी शेल्व्स, टीवी यूनिट, सिर्फ फर्नीचर वर्क बनाना है तो कम से कम A to Z, दो बेड अलमीरा, दो अलमीरा, दो बेड और टीवी यूनिट, किचन कैबिनेट, मिनिमम 5 लाख और हो सका तो 10 लाख 12 लाख भी हो सकता है, उसका कुछ लिमिट नहीं है। ये बहुत डिसेंट दिख रहा है, अच्छा है, ऐसा देखे तो लग रहा है कि मार्बल लगाया गया, वाइट मार्बल। ये जो है मॉड्यूलर किचन कैबिनेट, ओके, एंड अलोंग विथ स्टोरेज के साथ, इधर स्टोरेज, स्टोरेज रहना जरूरी है।
ये गोदरेज का लिया गया, ब्रांड जो है गोदरेज, गोदरेज के चैनल पट्टी आते हैं, गोदरेज का ही है, स्लो क्लोजर बोला जाता है उसको। एंड किचन रहा तो सफिशियंट ये छोड़ दीजिए विंडोज, बिकॉज खाना बनाते वक्त जो है आपको ही दिक्कत होता है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो स्क्वायर कटिंग किया गया ना, स्क्वायर कटिंग के बदले ओवल शेप में कटिंग किए तो और खूबसूरत दिखता है। दोबारा हॉल में वापस, हॉल में जो है कुछ एरिया कवरअप किया है, 3 3 फीट जो है, 3 3.5 फुट जो है ना, ये ओपनिंग रखा है यहाँ पर एक विंडो। फिर यहाँ से अटैच टॉयलेट बाथ, इस रूम को भी है, इस रूम को भी है, एंड ए कॉमन टॉयलेट बाथ ओपनिंग पे इस तरह से लगाया गया। पूरा फुल यहाँ पे भी फर्नीचर वर्क, ये मेकअप बॉक्स, मेकअप यूनिट, तो व्यूअर्स इसको और थोड़ा स्मूथनेस करना पड़ेगा, बिकॉज़ इधर लग रहा है, ये लगने से जो है ख़राब होते ही रहता है ये वाला पोर्शन। एंड जितना भी ऑफसेट एरिया है वो भी कवर अप किया गया, बट कवर अप नहीं करना चाहिए। अटैच टॉयलेट बाथ 4 फीट है। सो दैट्स इट, थैंक यू।